नमस्ते। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में हम क्या सावधानी बरतें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है कि वात वर्धक चीजों का सेवन नहीं किया जाए, क्योंकि वायु प्रकोपित हो जाती है वर्षा ऋतु में। जैसे चावल है, छोले हैं, राजमा है, कढ़ी चावल है, इन चीजों को अवॉइड करें आप। और क्या खाएं वर्षा ऋतु में? तिल का तेल खाना सबसे श्रेष्ठ रहता है। तिल के तेल के आप चिल्ले बना के खा लें, या उसके पूड़े बना के खा सकते हैं, या हमारे हरियाणा में गुलगुले, सुहाड़ी, ये चीज़ें भी आम चलती हैं वर्षा ऋतु में, तो वो बहुत लाभकारी है, वात का शमन करेंगी। कच्चे हरे फलदार सब्जियां ना खाएं। पत्ते वाले साग सब्जी ये कम से कम वर्षा ऋतु में आप बंद कर दें। और स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें वर्षा ऋतु में वेक्टर बोर्न डिजीज है और वाटर बोर्न डिजीज है। पानी की वजह से पीलिया हो सकता है, हेजा हो सकता है, डायरिया हो सकता है और टाइफाइड हो सकता है। तो इसलिए बाहर का खाना बंद कर दें। वर्षा ऋतु में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप स्ट्रीट फूड ना खाएं, चाइनीज फूड ना खाएं, बाजार से कुछ भी ना खाएं। जो कुछ भी खाएं ताज़ा खाएं, घर पे बना के ही खाएं, क्योंकि आप अगर कुछ भी बासी चीज़ या 1 घंटे कटा हुआ कोई भी फल फ्रूट खाएंगे तो उससे आपको डायरिया हो सकता है, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये मच्छर बोर्न डिजीज है, वैक्टर बोर्न डिजीज है, तो मच्छरों का सावधान रखें। वर्षा ऋतु में स्किन प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन के बहुत चांसेस बन जाते हैं। तो जब भी आप वर्षा ऋतु में अपने जेनिटल एरिया का खास रखें, साफ सफाई रखें वहाँ विशेष रूप से। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप नीम के तेल का प्रयोग करें। नहाने के बाद थोड़ा सा नीम का तेल अपने जेनिटल एरिया पे लगाएं ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। और कानों में भी थोड़ा थोड़ा नीम का तेल डाल सकते हैं, क्योंकि कानों में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वर्षा ऋतु में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी हमें साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने शरीर को ड्राई रखें, ज़्यादा गीलापन ना रहने दें शरीर के अंदर, ताकि ये रोग ना लगे। इसमें और क्या लाभकारी चीज़ें हैं? तुलसी का सेवन किया जा सकता है। अदरक बहुत लाभकारी है, क्योंकि पाचक अग्नि मंद हो जाती है, तो पाचक अग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए अदरक का आप सेवन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप वर्षा ऋतु में गिलोय का सेवन कर सकते हैं, गिलोय बहुत लाभकारी है इसमें। और दही भूल के भी मत खाएं। वर्षा ऋतु में दही खाने से आपको तरह तरह के रोग लग सकते हैं, तो दही को आप अवॉइड करें वर्षा ऋतु में। दूध लेना चाहे तो हल्दी डाल के थोड़ा सा दूध आप रात को सोते समय जरूर ले सकते हैं वर्षा ऋतु में। हरड़ का सेवन जरूर करें, हरड़ बहुत लाभकारी है वर्षा ऋतु में। हरड़ क्या किस चीज़ के साथ खाएं? आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण, यानी 3 ग्राम से 5 ग्राम के आसपास हरड़ सेंधा नमक के साथ अगर हरड़ का सेवन खाएंगे तो बहुत लाभकारी है। लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवास्टक चूर्ण है, जो पेट की पाचक अग्नि मंद हो जाती है, गैस या अफारा रहने लग जाता है वर्षा ऋतु में, तो लवण भास्कर चूर्ण आप आधा आधा चम्मच ले सकते हैं। इसी प्रकार से हिंगवास्टक चूर्ण आपको कहीं से भी मिल जाएगा, उसका आप सेवन कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में बहुत कारगर औषधि है, इनका आप सेवन करें। वर्षा ऋतु में बाहर का जल भी ना पिए, आप कोशिश करें कि पानी उबाल कर उसी का ही सेवन किए। अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, ये बहुत कारगर है वर्षा ऋतु में, इनका सेवन किया जा सकता है, ये लाभकारी रहते हैं वर्षा ऋतु में। और जो विशेष रूप से काम करने वाली चीज़ें हैं कि आप दिन में सोने से बचें वर्षा ऋतु में, ज़्यादा आप मतलब स्त्री संपर्क से भी बचें, ज़्यादा हैवी वर्क भी ना करें, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से भी बचें, और अपने आप को खाली पेट भी ना रखें, ज़्यादा देर तक भूखा भी ना रखें। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु में आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वर्षा ऋतु का सीजन चल रहा है, ताकि उनको किसी आपके नियर डियर्स को किसी को भी डायरिया ना हो, दस्त ना हो, मलेरिया ना हो, चिकन ना हो, डेंगू ना हो, किस प्रकार से वो वर्षा ऋतु में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। और गिलोय विशेष रूप से आप लगाएं, इस ऋतु में उग जाती है गिलोय, तो गिलोय का यदि आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा वर्षा ऋतु में। तो सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।